लगभग गंदा हो चुका है, इतने लंबे समय तक रखा हुआ पानी तो पीने लायक भी नहीं बचेगा। पीछे भी कहने तो क्या ये इंसान भी तो देखो पूरे इसके ऊपर झगड़ा भी होता है इनमें, और फिर ये एक एक हफ्ते तक इस पानी को स्टोर रख रहे हैं। एक हफ्ते तक तो पानी स्टोर रहेगा तो आप ये समझो ये पानी पीने लायक बचेगा नहीं बचेगा। बोतल का पानी एक हफ्ते, प्लास्टिक का कहनी तो है, ये बहुत सुरक्षित चीज थोड़ा ही है, इसमें तमाम तरह के जर्म्स होंगे, ये बीमार हो जाएंगे, जो पैसा कमाएंगे उसको इलाज भी चला जाएगा। ये सब जो है ना ये सोची समझी रणनीति कि गरीब किस तरह से अपने जीवन को खत्म कर दे, और जो गरीबों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहे। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं हो रहा है, कोई इनको कच्चे मकान से पक्के मकान देने का काम नहीं हो रहा है, कोई पानी पे काम नहीं हो रहा है, और नालियों के हाल देखोगे ना तो इस जैसा पानी यहाँ ऐसा ही पानी वहां, इस तरह के हालात में लोग रह रहे हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ये सरकार के अमीरों के लिए है, क्या गरीबों की जिंदगी में इन सरकारों का कोई रोल नहीं है? बिजली फ्री पानी फ्री का नारा देने वाले बताएं कौन सा पानी फ्री दे रहे हो? यहाँ टंकियां तो है नहीं, तो आप कौन सा पानी फ्री देते हो? तो जो सरकारें लोगों को पीने के लिए साफ पानी न दे पाए वो किनकी सरकार है? पूंजीपतियों के गरीबों की। इसलिए हमने तय किया कि पानी की हो, सड़क की हो, नाली की हो, घर की हो, इन सब समस्याओं के लिए हमारे लोग कमर कसेंगे, और 6 महीने में हम लोग पूरी दिल्ली का डाटा तैयार करके सड़कों पे आके ये अधिकार इनको दिला के दे रहेंगे, इनको इस गंदगी से के जीवन से मुक्ति दिला कर। आप बहुत से लोग पूर्वांचल के हो, ये जो सिंदूर लगता है ना ऑरेंज वाला, ये बता देता है कि मोस्ट लोग पूर्वांचल के, या फिर अगर कुछ लोग आएंगे तो यहाँ यूपी से आएंगे निकल के। हाँ बस ये यही बता रहा हूँ, वो पूर्वांचल जो बॉर्डर है ना उसी के हैं सब लोग, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बनारस, बलिया, भागलपुर, गया, इसी मोतिहारी, इधर के ही लोग हैं सब लोग, ठीक है। दिल्ली में आके ये हाल है, इसके जैसे तो हम गांव में भी थे भाई, वहाँ बाढ़ की बात आती, यहाँ ये है, क्या है इस जिंदगी का जिसमें हमारे बच्चे चैन से बैठ के रोटी बिना खा पाए तो नहीं। लाइन मैं कह रहा हूँ ना, जिनको देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता शौचालय के लिए लाइन लगे या शौचालय की आड़ में जो है कोई हमारी बहन बेटियों को अपमानित करे, कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके, अगर जो हमें इंसान नहीं मानते उनको क्या फर्क पड़ेगा मेरी माँ। इसलिए 6 महीने में हम लोग डाटा इकट्ठा करेंगे, गंदगी के दिन आपके दूर होने वाले, मेरे आपको वचन है 6 महीने में हम लोग डाटा इकट्ठा करेंगे। हाँ और लड़के दिखाएंगे आपको, हमारा आपसे एक ही रिश्ता है क्योंकि आपको भी इंसान जैसा जीवन मिलना चाहिए। 6 महीने में डाटा इकट्ठा करके लड़ेंगे, आप लोगों को इनवाइट करेंगे, लड़ाई जब लड़ेंगे, ठीक है। खुश रहो आप भाई।